नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश में हर दिन महिलाओं पर एसिड अटैक होते हैं। ये एसिड अटैक हर दिन एक लड़की और महिला की जान ले लेते हैं, महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एसिड अटैक की वजह से आज लाखों लड़कियां बदतर हालत में जीने को मजबूर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लड़कियों के साथ साथ हमारे देश में पुरुषों पर भी एसिड अटैक होते हैं? जी हाँ, ये सच है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन दो में से एक एसिड अटैक की घटना होती है। वही कुल एसिड अटैक विक्टिम में से 30-40% से ज्यादा संख्या पुरुषों की होती है। ऐसे में इन्हीं एसिड अटैक से पीड़ित पुरुषों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार एसिड अटैक से पीड़ित पुरुषों को पेंशन देगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पंजाब सरकार ने एसिड अटैक से पीड़ित पुरुषों के लिए 8,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने ये जानकारी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दी है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। जब भी हम एसिड अटैक की खबर सुनते हैं तो हमारे जहन में एक लड़की की तस्वीर उभरती है। चेहरा छुपाए एक लड़की, पट्टियों में लिपटी एक लड़की, चीखती चिल्लाती और इंसाफ की गुहार लगाती एक लड़की। इसकी वजह है कि एसिड अटैक की शिकार ज्यादातर लड़कियां होती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ महिलाओं पर ही तेजाब फेंका जाता है, पुरुषों पर भी एसिड अटैक हो रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक एसिड अटैक के कुल पीड़ितों में से 30-40% संख्या पुरुषों की है। चलिए आपको इसका एक उदाहरण भी दे देते हैं। बता दें, बीते समय हरियाणा के हिसार जिले से 3 सितंबर को खौफनाक खबर सामने आई, जहां विदेश जा रहे युवक पर उसकी प्रेमिका ने तेजाब फेंक दिया। हादसे में 22 वर्षीय शुभम सोनी बुरी तरह झुलस गया। तो वहीं राजस्थान के उदयपुर में प्यार में धोखा खाने वाली इंजीनियर युवती ने सबक सिखाने के लिए सहकर्मी इंजीनियर युवक पर तेजाब से हमला करवाया। ऐसी ही तमाम घटनाएं हैं जो बताती हैं कि हमारे देश में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी एसिड अटैक कम नहीं है। साल की घटनाओं के तौर पर आपको बताएं तो साल दर साल रिपोर्ट किए गए मामले, 2014 में 309 मामले, 2015 में 222 मामले, 2016 में 167 मामले, 2017 में 244 मामले और 2018 में 228 मामले, वहीं 2019 में 240 मामले सामने आए। इसी को देखते हुए पंजाब में एसिड अटैक पीड़ित पुरुषों को पेंशन मिलेगी। जी हां, पंजाब सरकार ने एसिड अटैक से पीड़ित पुरुषों के लिए 8,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने यह जानकारी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में संगरूर जिले के धूरी निवासी पीड़ित मलकीत सिंह की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। साथ में पंजाब सरकार ने पीड़ित व्यक्ति को दिए जाने वाले एरियर का चेक भी हाईकोर्ट को ही सौंप दिया। मलकीत देश के पहले एसिड अटैक पीड़ित पुरुष हैं और उनके लिए पंजाब सरकार ने पेंशन का प्रावधान किया है। मलकीत सिंह ने हाईकोर्ट में बताया कि पंजाब सरकार ने 2017 में पंजाब एसिड अटैक विक्टिम पॉलिसी बनाई थी, जिसमें सरकार ने केवल एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को ही हर महीने 8,000 रुपए पेंशन देने का प्रावधान बनाया था। लेकिन वह भी एसिड अटैक पीड़ित हैं और इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दर्ज की। इसके बाद अब सरकार द्वारा उन्हें भी प्रति माह 8,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। देखा जाए तो इन एसिड अटैक्स के पीछे का कारण सिर्फ प्यार में रिजेक्शन, पुरानी रंजिश, बदला और जिंदगी बर्बाद कर देने का जुनून होता है, जो एक इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देता है और उसे जीवन भर ना मिटने और ना भूलने वाला दर्द और जख्म दे जाता है। खैर, आपको हमारी ये दी गई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।